हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। मैं आपका दोस्त फ्रेंड राज, और आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी की चटपटी मसालेदार सब्जी, जो खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। और इसका टेस्ट आप एक बार अगर इसे बना के खा लेंगे तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे, और ये काफ़ी हेल्दी भी होती है। इंग्लिश में इसको लोटस स्टेम बोलते हैं, कश्मीर में शायद यंद्रून याखनी बोलते हैं। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कमल ककड़ी को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके चैनल राज किचन रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, ज्यादा बोर नहीं करते हैं और इस कमल ककड़ी की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें अगर कमल ककड़ी की सब्जी बनानी तो कमल ककड़ी तो चाहिए। तो ये मैंने 500 ग्राम ली है, साफ वगैरह करके ये 400 ग्राम ही बचेगी, क्योंकि ये हमें ये काटने हैं इसके साइड के पार्ट। और इसको इंग्लिश में लोटस स्टेम बोलते हैं, और कश्मीर में शायद नंद्रू याखनी बोलते हैं। तो अगर आपको इसका नाम पता हो कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप। तो सबसे पहले हमने इसको छील लिया है, हल्का सा हमने इसको छील लिया है सभी को, और फिर अच्छे से धो लिया है। थोड़ा बहुत रहेगा इस पर अच्छे से आप धो लें। उसके बाद इसको हम ये वाले साइड के इसके ये काट देंगे। और आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपको जो लेके आनी है कमल ककड़ी, वो लानी है आपको ऐसी है, यहाँ से बंद हो, यहाँ से बंद हो। अगर ये खुली हुई हुई एक आध तो चलेगी, लेकिन सारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से भी बंद होनी चाहिए, यहाँ से भी बंद होनी चाहिए। वो सबसे बेस्ट होती है और सबसे बढ़िया होती है, अंदर गंदगी भी उसमें कम होती है। यानी कि ये उगती है वाटर के अंडरग्राउंड, उड़ती है वाटर में, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कादे में उगती है ये, यानी कीचड़ में। तो अब इसको हमने ये पार्ट काट लिए, इसी तरीके से दोनों तरफ के पार्ट काट के इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। और ये काफ़ी हेल्दी होती है और काफ़ी ताकतवर होती है सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। माय फेवरेट रेसिपी फॉर कमल ककड़ी लोटस स्टेम। इसी तरीके से सभी हम काट लेंगे। हमने अच्छे से काट लिया है, और इसमें हल्की सी, देखिए मैं आपको, कुछ कुछ होती है जिसमें हल्की सी ये गंदगी टाइप होता है। तो वैसे तो मैं बिल्कुल फ्रेश लाया हूँ, ये देखिए आप, बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कहीं भी नहीं है। फिर भी हम इसको एक बार गर्म पानी के अंदर हल्का सा वॉश करेंगे। तो इधर हमने पानी चढ़ा दिया है और काफ़ी गर्म हो गया है, उसमें बबल भी आ गए हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पानी में डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद में ये डाल देंगे इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे, और करीब 1 मिनट इसको उस पर रखेंगे। उसके बाद इसको रख देंगे ढककर हम, और जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे, उससे 1 मिनट 1.5 मिनट पहले ही आपको इसको इस गर्म पानी में से निकालना है। हांडी चढ़ा दी है, उसके अंदर 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, तेल हमारा काफ़ी गर्म हो गया है। मैं इसको मिट्टी की हांडी बना रहा हूँ, आप इसको कढ़ाई में आपके पास जो हो उसके अंदर बना सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून शाही जीरा, हल्का सा जीरे को तड़का लगने देंगे हम। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं 5 से 7 तेजपत्ते छोटे, 3 बड़ी इलायची यानी काली इलायची मुंह तोड़कर, 2 लिए हमने हरी इलायची, 5 से 7 हमने लिए लौंग, 1 लिया जावित्री का फूल, करीब 10-12 लिए हमने काली मिर्च, और दालचीनी इसमें डाल देंगे। अब इनको भी हल्का सा तड़का लगने देंगे हम। तो खड़े मसालों को तड़का लग गया है हमारे, और अब इसमें डालेंगे हम 3 बड़ी साइज की प्याज बारीक कटी हुई। प्याज और लहसुन उसमें ज़्यादा लगने वाला है, जब भी अच्छे से फ्लेवर आने वाला है। और इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन कुटा हुआ, जैसे हम हमेशा यूज़ करते हैं, और आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से करीब 5 मिनट हमें ये प्याज लहसुन मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हमें फ्राई करना है। 5 मिनट हमने अच्छे से प्याज को चला लिया है, अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लिया है। प्याज को आपको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, अगर आपको बढ़िया टेस्ट चाहिए तो। सभी आपको बोलते हैं गोल्डन ब्राउन करो, लेकिन मैं आपको यहाँ बोलता हूँ गोल्डन ब्राउन नहीं करनी, 80% 70% ही आपको प्याज को, यानी कि 5 मिनट आपको अच्छे से इसको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप कलर देखिए अभी हमारी प्याज का,
तो इतना ही आपके प्याज का रहना चाहिए अगर आप कभी बनाते हो तो। इसमें डालेंगे हम 7 से 8 पिंच हींग पाउडर, मिला लेंगे और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम कह रहे 10% तीखी होती है। और अब हमारी गैस कर देंगे हम हाई फ्लेम पर, और इधर हमने जो ये देखिए पानी का कलर देखिए आप कितने अच्छे से साफ़ हो गई है, तो ये निकाल लेते हैं हम पानी में से, ये तो ये हमने निकाल ली, अब अच्छे से ये साफ़ हो गई। और इसको थोड़ा सा झड़का लेते हैं हम और इसको ऐड कर देते हैं हमारी इसमें, ये देखिए आप इधर पानी का कलर देखिए अब, तो काफ़ी जो गंदगी थी वो सब निकल गई है। और अब इसको हम मिला लेते हैं और करीब 2 से 3 मिनट इसको हम चलाएंगे हाई फ्लेम पर। तो 2 मिनट हमने इसको अच्छे से चला लिया है और अब इसमें डाल देंगे हम करीब 300 ml पानी, 300 से 400 ml हम इसमें पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम शुरू में जब इसको हल्का सा गर्म पानी में डाला था, जब नमक डाल चुके हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार। इसको मिला लेंगे हम एक बार, अब पानी हमने भी कम डाला है तो और पानी डाल देते हैं इसमें, करीब आपको 400 ml तो पानी डालना ही पड़ेगा। पानी हो गया हमारा ख़त्म और एक बार इसको वापस चला लेते हैं हम, और बस चलाने के बाद में इसको हम ढककर रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पर पूरे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं मीडियम लो फ्लेम पर रखे हुए, ढक्कन हटा लेते हैं हम एक बार और गैस कर देते हैं हमारी इधर हाई फ्लेम पर। और हाई फ्लेम पर अब इसको हम एक बार चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम हमारे बाकी बचे मसाले, तो नॉर्मल वाली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको एक बार मिला लेते हैं और करीब 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसके अंदर हल्दी, धनिया पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला डाल देंगे 1 छोटा चम्मच और चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, मिला लेंगे एक बार। मसाले हमने अच्छे से इसके अंदर डालकर मिला लिए 2 मिनट, और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, और टमाटर का हमने छिलका उतार दिया है, और इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर और एक बार मिला लेंगे हम। और बस मिलाने के बाद इसको हम ढककर रख देंगे वापस 5 मिनट के लिए। मीडियम लो फ्लेम पर रखे हुए हो गए हैं हमारे 5 मिनट, ढक्कन हटा लेते हैं एक बार। आहा कितनी शानदार खुशबू आई। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया 10 ग्राम के आसपास, और इसको मिला लेंगे अब एक बार। बस और मैंने इस जगह पानी ज़्यादा यूज़ लिया है, तो आप कम भी यूज़ ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली खानी तो आप पानी कम यूज़ कर ले, और अगर मैंने जितना पानी लिया उतना पानी आप डालना चाहते हो तो इसको 5 मिनट और चला लें। लेकिन अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार है, हम करेंगे गैस बंद और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे हमारा तेल उभर के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हो गए हैं 2 मिनट इसको ढक के रखे हुए, और हटा लेते हैं। देखिए आप सारा तेल ऊपर आ गया है, ढक के रखने का यही हिसाब होता है। ये देखिए आप पूरा तेल ऊपर आ चुका है, और अब इसको हम एक बार मिला लेंगे। वाओ, मिलाने के बाद में निकाल लेंगे हमारी सर्विंग कढ़ाई में। ओह माय गॉड, इस पे थोड़ा सा हम
धनिया गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स दोस्तों, ये हमारी आज की कमल ककड़ी की सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके चैनल राज किचन से रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए जो बनाया है उसे खाकर खत्म करते हैं।